बस कंटेनर में हुई जबरदस्त भिड़ंत। बापनोक फाटा पर बस व कंटेनर में हुई जबरदस्त भिड़ंत। घायलों को आसपास के दुकानदारों व ग्रामीणों ने बस एवं कंटेनर से निकाला। हादसे की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी महावीर सिंह राठौर, पुलिस थाना बाप के एसआई हरि सिंह राजपुरोहित, एसआई नरेंद्र सिंह, डीओ श्याम सुंदर राजपुरोहित मय, पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। बस और कंटेनर की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर बस की भिड़ंत से पलट हो गया। बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाप लाया गया। उपचार के बाद 9 घायलों को बीकानेर रेफर किया गया, जिसमें 2 गंभीर घायल थे। घायलों में महेंद्र सिंह, विपिन, जयश्री, माया, फिरोज, भरत कुमार, नरसिंह रामकावत, पर्वत सिंह, मोहन सिंह, चंपालाल, रोशनलाल, सूरज कंवर, यशोदा, सूरज का उपचार किया गया। BCMHO डॉक्टर दावलाल चौहान, डॉक्टर प्रियंका पुरोहित, डॉक्टर दीपक मीना, डॉक्टर दौलतराम कुमावत, मेल नर्स हीरालाल खत्री व पुखराज पालीवाल ने घायलों का इलाज किया। मौके पर भारी मात्रा में ग्रामीण एकत्रित हुए एवं घायलों की मदद की। क्षतिग्रस्त बस एवं कंटेनर को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया एवं ट्रैफिक सुचारू किया गया। निजी बस बीकमपुर नोक से आ रही थी, कंटेनर बीकानेर से फलोदी की तरफ जा रहा था। नोक बाप फांटा पर हुआ हादसा। आज आए फलोदी में 18 कोरोना पॉजिटिव में 2 मोटरसाइकिल चोर फलोदी पुलिस की कस्टडी में थे, जिनकी 2-3 दिन पहले कोरोना जांच करवाई गई। उनकी जांच आज पॉजिटिव आई, जिसके चलते उन्हें सेंट्रल जेल जोधपुर एम्बुलेंस के द्वारा शिफ्ट किया गया, जहां उन्हें अलग से क्वारंटाइन किया जाएगा। फलोदी पुलिस थाना एवं परिसर को आज नगर पालिका द्वारा सैनिटराइज किया गया। फलोदी पुलिस थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि द्वारा करीब 20 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की गई है। अशोक और शिवलाल जो मोटरसाइकिल चोर थे, ये अभी हमारी कस्टडी में चल रहे थे और अभी इनकी 2-3 रोज पहले कोरोना जांच करवाई थी। जो कोरोना जांच पॉजिटिव आई है, इनको सेंट्रल जेल हेतु यहाँ से एम्बुलेंस में रवाना करवा दिया गया और वहाँ अलग से इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। नगर पालिका की सहायता से पूरे थाना क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। मैं आमजन से ये अपील करता हूँ कि कोरोना को देखते हुए पूरी एहतियात बरतें और जो भी सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उनकी पूर्णता पालना करें। हम स्वस्थ हैं तो भारत स्वस्थ।